देखिए अभी जस्ट रुझान आने शुरू हुए हैं। मैं मानता हूं, उम्मीद करता हूं, जिस तरीके से भाजपा ने दोनों राज्यों में मेहनत की है, जिस तरीके से हरियाणा में 10 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा है, मैं मानता हूं कि जनता कहीं ना कहीं विश्वास करती है भारतीय जनता पार्टी मेरे प्रधानमंत्री जी पर। उम्मीद करता हूं कि शाम तक जब परिणाम पूरी तरीके से आएंगे वो उसी आधार पर होंगे जिसकी अपेक्षा हम लोग करते हैं। काउंटिंग शुरू हो जाएगी 8 बजे और शानदार परिणामों की प्रतीक्षा है। दोपहर बाद तय हो जाएगा कि सरकार बन रही है। अपनी जीत थैंक यू। लोगों ने शानदार जो है चुनाव लड़ा है और जितना शानदार चुनाव लड़ा है उतनी शानदार जीत की जो है प्रतीक्षा है। कांग्रेस भी दावा कर रही है सरकार बनाने के लिए। दावा तो सब करेंगे जो जो मैदान में है, परिणाम आने तक सबके दावे चलेंगे लेकिन परिणाम बताएंगे कि किसका दावा सत्य निकलता है। एग्जिट पोल को देखिए, बहुत एग्जिट पोल कई बार सही होते हैं कई बार गलत होते हैं। हमने छत्तीसगढ़ का देखा, उस समय कांग्रेस की सरकार बना रहे थे, बीजेपी की सरकार बन गई। कोई भी एग्जिट पोल नहीं कर रहा था बीजेपी की सरकार बनेगी। तो एग्जिट पोल कभी कभी सत्य होते हैं, कभी कभी असत्य भी होते हैं। अभी ये बहुत शुरुआती रुझान है, इंतजार कीजिए। पूरा भरोसा है कि आज दिन भर लड्डू भी और जलेबी भी खाने को मिलेगी। मोदी जी को भी जलेबी भेजने वाले, नायब सिंह सैनी उनको भी जलेबी भेज देंगे। और जम्मू कश्मीर के अंदर भी नंबर जो है वो बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को ही अकेले शुरुआत में ही बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल पूरा भरोसा है, जम्मू कश्मीर हरियाणा हम पूरे बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। हाँ देखिए, बहुत ही खुशी के साथ मैं समझती हूँ लोकतंत्र के इस महापर्व का, हरियाणा विधानसभा चुनाव का आज मतगणना है। झज्जर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जिस प्रकार से आशीर्वाद सहयोग समर्थन दिया है, हमें उम्मीद है यहां से थंपिंग मेजोरिटी के साथ जीतेंगे और हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए एग्जिट पोल जो आए हैं वैसे तो बहुत ज्यादा फेवर में है कांग्रेस के, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। जब काउंटिंग अब शुरू होगी उसके बाद से ये पता चलेगा, और भी उससे ज्यादा सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी, क्योंकि कांग्रेस ने बिल्कुल जो है मुद्दों पर चुनाव लड़ने का काम किया। बहुत एजेंडा था, बेरोजगारी है, किसान है, महिलाएं हैं, बेटियां, हरियाणा की तरक्की, हमने अपने मैनिफेस्टो पर और मुद्दों पर चुनाव लड़ा और जनता ने उस पर आशीर्वाद देने का काम किया है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, झज्जर की जनता ने बहुत आशीर्वाद जिस प्रकार से दिया है, हमने विपक्ष में भी उनकी आवाज को मजबूती से उठाने का काम किया और अब उनको तो ये पता चल गया है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हवा चल रही है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने हमने विपक्ष के अंदर और बाहर जो संघर्ष किया उससे जनता को ये उम्मीद भी है कि आने वाला समय कांग्रेस का है और झज्जर विधानसभा क्षेत्र में और पूरे हरियाणा में विकास के कार्य होंगे। कोई बात नहीं, कार्यवाहक सीएम है, थोड़ी देर के मेहमान है और दावा तो सभी करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो लोग राजनीति में लोकतंत्र की यही तो महानता है, दावा कोई भी कर सकता है पर लोकतंत्र में जनता ही महान होती है और जनता ने अपना फाइनल वर्डिक्ट दे दिया है जो आज ईवीएम में बंद है और अभी 8 बजे से वो खुलना शुरू हो जाएगा। ठीक है।